हम आपको अपने चैनल में वेलकम करते हैं। आज मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का। जो मैंने ये लेग पीस हैं इनको अच्छे से धो लिया है, इनको कट्स भी लगा लिए हैं। ये आप उसमें ओवन में भी बना सकते हैं और उसमें फ्राई भी कर सकते हैं। इनके रेडियंट ये है, दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, इसमें आधा खोली दही, दो चम्मच टिक्का मसाला, एक चम्मच लाल मिर्च, एक चम्मच कुटी हुई मिर्च, नमक असली जायका, कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, सूखा धनिया एक चम्मच, काली मिर्च एक चम्मच, वाइट मिर्च आधा चम्मच। इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें पहले। इसमें चार चम्मच ऑयल, इससे ये मज़ेदार बनेगा और बिल्कुल नरम सा, वो सूखा जो टिक्का है वो नहीं बनेगा आपके ये बहुत मज़ेदार सा जायके वाला टिक्का तैयार होगा। इसको एक घंटे के लिए मैरिनेट करके आप फ्रिज में रख दें, उसके बाद इसको फ्राई कर लें या ओवन में लगा लें तो आपके लिए ये मज़ेदार टिक्का तैयार हो जाएगा घर में, जैसे होटलों में उसमें होता है उससे भी ज़्यादा आपका खुद का अच्छा बनेगा। अपने बच्चों के साथ बनाएं कर दिए। ये टेस्ट के लिए थोड़ा सा ये इसमें सोया सॉस डालेंगे एक चम्मच, और ये एक चम्मच के करीब नींबू का रस है, और एक चम्मच के करीब ये सिरका है। ये भी इसको मिक्स करके तो फ्रीज कर देंगे, एक घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे इसको। फिर एक घंटे के बाद इसको इंशाल्लाह निकाल के फिर इसको ओवन में लगा देंगे, फिर इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे इसको जब बन गया तैयार हो गया। जी अभी मैं ये मैरिनेट हो गया अच्छे से, इसको भी हम प्रीहीट करेंगे ओवन को 10 मिनट के लिए 200 की उस पर रेंज पे, इसको भी लगा देंगे एक घंटे के लिए 200 पे, फिर आधे घंटे के लिए इसको रेड करने के लिए, क्रिस्पी करने के लिए 250 पे वो करेंगे।